वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है पंजाबी टीवी। मैं दोस्त रणवीर सिंह। सो टुडे वी आर गोना रिएक्ट टू अ वीडियो जिदे विच आपां एक पोल किया अपनी कम्यूनिटी टैब से कि उस वीडियो की रिएक्शन करिए कि ना करिए। सारे ने जिहड़ा रिकमेंड किया कि भाजी वीडियो जरूर बनाओ, 70% तो ज़्यादा वोट्स आई हैं। एंड उदे विच जो टाइटल आ अज दे इस अपने इस्लामिक हिस्ट्री के एपीसोड का वो हैगा जब अरब में कुरआन आया, ठीक है। एंड इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा, इन्हां दी एक वीडियो है, लैट्स वॉच इट आउट। वीडियो दे नाल कुछ विजुअल्स भी है जो शायद जो उमार एक सीरीज़ आई सी उहदे विजुअल्स है। सो आपां नूं जिहड़ी जो स्टोरी दसन लगी है वो पूरी जस्टिफाई हो जाएगी, आपां नूं समझ लग जाएगी। सो आ जाओ देखते हैं कि अरब के लोगों में दो खामियां थी। अच्छा, नंबर वन, चिट्टे अनपढ़, जाहिल, उजड़, हत्ता के इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। मतलब उम्मी मेरे अनपढ़। ओके। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है, 10 साल। ये दो खामियां थी, नंबर वन चिट्टे अनपढ़, नंबर दो लड़ाकू लेकिन आपस में। लेकिन दो खूबियां भी थी। वो क्या? एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदि थी, रेगिस्तान के रहने वाले, क्योंकि अरब जड़ा सी आपको पता है पुराना, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते थे, चाहे किसी दुश्मन को दे पक्के। अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली, ये जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी फिर गर्दन ही कटी है। और दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदि थे लेकिन लड़ते आपस में थे। अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा कर, और जहालत के लिए, दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी। हाँ। जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, कुरान, सूरह मादा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलायल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे। तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया सिर्फ एक कुरान की वजह से। और अल्लाह ने लीडर दिया, सारे अरब कबाइल जमा हुए, वो अरबी जो आपस में लड़ते थे उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन अंपायर। हाँ, रोमन एंड पर्शियन उस टाइम देखे सर कैसे उल्टा है उन्होंने। विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रख दी, सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज। अच्छा, मैं ना इतने एक तुम गल दसना चाहना, मैं ना पिछले नेटफ्लिक्स से एक सीरीज देख रहा हूँ वाइकिंग्स, उहदे विच ना अराउंड 1200 ईस्वी के करीब की सीरीज है, उहदे विच उदो एक धर्म हुंदा सी पेगन्स धर्म सी कोई, शायद हुण भी है, मैनू उहदे बारे ज़्यादा नहीं पता। उहदे विच भी मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है। तो एक उहदे विच सी ईसाई, सो वो ईसाइयां ते पीगन्स दा जिहड़ा उत्थे उन्होंने वो दिखाया ना, उहदे विच उदों मैनू इह चीज़ां पता लगियां कि इस्लाम की बुनियाद किद्दां हुई जां सारीआं चीज़ां, काफ़ी कुछ उस सीखण नूं हैगा, इदां दा मतलब जानण नूं है। तो एक होर गल कि हाँ, जिहड़ियां इस्लाम नाल रिलेटड ना बहुत सारिया सीरीज़ बनी है, बहुत सारिया वैब सीरीज़ है, बहुत सारिया मूवीज़ है जिदे विच तुसी देख सकते हैं आपां नूं पुरानियां, क्योंकि उहदे च जिन्ने पीर पैगंबर हुए ने वो किद्दां हुए, की सिस्टम उतों दा की सीगा, वह सब चीज़ां मतलब आपां नूं सीरीज़ विच देखण नूं मिल जांदियां। सो जेकर तुसी इस्लाम धर्म नूं जानना तां मेरे ख्याल तुसी कुछ वैब सीरीज़ भी जिहड़ियां वेख सकते हो। रोमन और पर्शियंस पूरी दुनिया पे घूमते कर रही हैं, जदीद असला है, और इधर ये बद्दू है जिनके पास ऊंट है, घोड़े हैं, तलवारें हैं, ना मंजरीक इन्होंने कभी देखी, ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे, बस चल पड़े, कलमा पड़े और
निकल खड़े हुए। फिर दुनिया ने देखा कि हर चीज को उलट के रखा, उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट के, वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके अंदर, इस किताब में। ये किताब थी, किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे। जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे, अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे, उनको उखाड़ने के लिए क्या मीठी मीठी बातें चाहिए थी? तारिक जमी साहब के लेक्चर्स ने रोमन और पर्शियन एम्पायर उखाड़नी थी? ये तो उन लोगों के लिए मुसलमान हो चुके हैं। बदमाश कब अपनी पोस्ट छोड़ते हैं? उनको फिर असले के जोर पे ही उखाड़ना था। और फिर अल्लाह ने सहाबा इकराम की तलवारें मुसल्लत की उनके ऊपर, जब उखाड़ दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया, फिर मामला सीधे हो गए। उस जमाने में बादशाह का दीन रियाया का दीन होता था। अगर कोई रियाया कहे ना कि मैं बादशाह के दीन से अलग होता हूं, कत्ल हो जाता था। आप बताइए ईसाइयत कैसे फैली है? ये तो सारे बुतप्रस्त थे। कॉन्स्टेंटाइन टू, जिसके नाम पे कुस्तुनिया शहर था, जो बाद में मुसलमानों ने फतह किया, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, टर्की वालों ने उस पर एक फिल्म भी बनाई है, उर्दू डबिंग के साथ है, एक ही नशिस्त में आप देख सकते हैं 2.5-3 घंटे। जो फिल्में देखते हैं उनके लिए, मौलवियों के लिए नहीं। तो उसने वो कुस्तुनिया फतह किया, फिर उसका नाम इस्तंबोल रख दिया। वो कॉन्स्टेंटाइन टू जो था वो क्रिश्चियन हो गया था, क्योंकि वो क्रिश्चियन हुआ तो पूरी रियाया 3 बरियाजमों में फैली हुई, वो क्रिश्चियन हो गई। ऐसे क्रिश्चियनिटी फैली है। तो रियाया को वही दीन रखना होता था जो हुक्मरान का। पहले हुक्मरान बुतप्रस्त था, ईसाइयों पर जुल्म होते थे। बाद में जब हुक्मरान ही मुसलमान हो गया, उस जमाने सारे ईसाई इस्लाम का ही नाम था, तो सारे पीछे इस इमाम के। ये बड़ा खतरनाक मामला था। दूसरी तरफ पर्शियन जो है वो आतिश प्रस्त है, उनके नीचे आतिश प्रस्ती का दीन चल रहा। तो ये फिर जरूरत थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता। इस्लाम ने तलवार के जोर पे इनको उखाड़ा, इनकी बदमाशियां खत्म की, और ऐसी खत्म हुई कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अन करीब कैसर खत्म हो जाएगा, फिर क्यामत तक कोई कैसर नहीं होगा। हाय 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 सर, ये प्रोफेसीज अल्लाह की ताईद के साथ ही कोई दे सकता है? अन करीब किसरा खत्म हो जाएगा, क्यामत तक कोई किसरा नहीं होगा। देख ले 1500 साल हो गए, ना रोमन अंपायर दोबारा बनी, ना पर्शियन अंपायर दोबारा बनी। हत्ता कि अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मुल्कों वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और उस जमाने में ये बात करना एक ऐसे शख्स का जिसके ऊपर ईमान लाने वाले गिनती के लोग हो, बहुत बड़ी बात। और अल्लाह ने फिर उखड़वाया। और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा है कि आज तलावत हो रही होती है तो ट्रंप भी बैठ के सुन रहा होता है, क्यों? पॉइंट। हालांकि वो क्रिश्चियन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, आप जाए अमेरिका में, आप किसी मार्केट में मसल्ला डाल के नमाज पढ़े, कोई आपको मना नहीं करेगा। उल्टा आप के साथ सेल्फियां बना रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो पहले कोई सोच सकता था कि फिरौन के सामने कोई नमाज पढ़ता? जादूगरों ने जरा सी बात की, ईमान लेके आए तो उसके बाद तुम्हें सूली दे दी। तो ये इस्लाम इस दौरे जदीद का खालिक है, और ये दौरे जदीद को तखलीक जो इस्लाम ने दी है वो कुरान के जरिए। एक अलामा वहीदुद्दीन खान साहब है इंडिया के, 90+ उनकी एज है, उनने किताब लिखी है इस्लाम दौरे जदीद का खालिक, इसी टॉपिक को एड्रेस कर, कमाल की किताब है, और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप गूगल से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, छोटी सी किताब है। इंग्लिश में भी एक किताब लिखी है, गॉड राइजेस, खुदा उभरता है। खुदा फिर जो उभर है ना जी कुरान के जरिए। खुदा को तो खैर मखलूक की जरूरत नहीं है, लेकिन मखलूकात ने जो तमाशा बनाया हुआ था ना, उस तमाशे को हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर इमाम आजम सैयदना व मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शिर्क का खात्मा करके क्यामत तक के लिए दीन एस्टैब्लिश किया इस किताब के जरिए। अब ये किताब क्यामत तक नबी इस्लाम का मौजजा है।
ये किताब है सर जिसने दुनिया पलट दी, और ये वो किताब है जो हम सिर्फ अपनी बच्ची को जब रुखसत करने लगते हैं नीचे से गुजारते हैं, ठीक है, और चूम के गिलाफ में रख देते हैं। इससे ज्यादा इस कुरान को हम कोई अहमियत नहीं देते। हालांकि ये कुरान इसलिए नाजिल ही नहीं हुआ, ये तो हमारी किताब जिंदगी है, लेकिन माशाल्लाह ऐसी साजिश इस्लाम के खिलाफ की है काफरों ने, नहीं मुसलमानों ने, पूरी नेकनीति के साथ जनाजा निकाला दीन का और एक स्लोगन दे दिया, कुरान नहीं ढंग पढ़ना गुमराह हो जाओगे, कुरान में बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें हैं, इसको हाथ नहीं लगाना। ये यहूदी बात करते तो हम कहते हैं ये अल्लाह के दुश्मन है, मुसलमान कह रहे हैं हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वो मेरा क्लिप है ना पिछले, लेकिन और एक मौलवी ने कहा है तो वो इस्लाम 360 के ऊपर जो उसने हमला किया तो मेरा क्लिप भी उस पर रिकॉर्ड हुआ है। तो पहले तो लोग कहते थे ये अभी बातें करता है, अब तो वीडियो में लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं कि जी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना आप गुमराह हो जाओ। अच्छा, अच्छा आज तक आपने कभी नहीं सुना ये क्योंकि फलां मौलवी की किताब डायरेक्ट नहीं पढ़नी आप गुमराह हो जाएंगे। यानी मौलवी किड्डा स्याणा है कि उसको तरीका पता है कि मैंने बात कैसे समझानी है, और उसको ऐसी किताब लिखनी भी आती है जो गुमराह ना करे, और अल्लाह को ऐसी किताब नहीं देनी आई कि जो गुमराह होने से बचा ले। कुरान में कहा है कि गुमराह करता है, वो तो अल्लाह ने टांट किया कि जो कुरान पे ईमान नहीं लाते वो गुमराह होते हैं, जो ईमान ले आए और बात मान ले वो कैसे गुमराह होंगे, ये तो तारीफ की है उन्होंने। तो इस किताब ने जनाब दुनिया की कायाकल्प की है, और इसका टेस्ट आप तभी फील कर सकते हैं जब आप अरबी जानते हो थोड़ी बहुत, या फिर अगर आपने उर्दू में टेस्ट लेना है तो आप मौला मदूदी रहिमहुल्लाह का तर्जुमा पढ़ें, वो उसी सोजो गुदास को ट्रांसलेट करता है उर्दू के अंदर। मैंने अभी तक किसी और बंदे के तर्जमे को नहीं देखा कि जो तर्जमे तो बड़े लोगों ने किए, अहमद बरेलवी साहब ने, श्री थानवी साहब ने, इन दोनों के तर्जमे तो वैसे ही वक्त के साथ खत्म हो गए इस लिहाज से कि उसमें तो कई अल्फाज जो है वो पुरानी उर्दू के हैं, हमारे नए बच्चों को तो समझ नहीं आती लिखा क्या हुआ है। हमने कई संगतें हलाक कर दी, संगतें पता किसे कहते हैं नहीं पता, कई उम्मतें उन्होंने उम्मत का तर्जमा संगत किया, उस जमाने में वो चलता था, ठीक है। आजकल अगर आप आला हज़रत का ये तर्जमा रखे तो लोगों को नहीं समझ आएगा, लेकिन मदूदी साहब ने चूंकि लेटेस्ट उर्दू में तर्जमा किया और फिर वो सोजो गुदास ट्रांसफर किया। मेरा चैलेंज आप कोई कुरान की सूरत निकालें अपनी मर्जी की, बाकी सारों के तर्जमे रखे फिर मदूदी साहब का भी पढ़े। तो अच्छा जेड़ा इन्होंने इतने संगत दा संगते गया ना, मतलब संगत हुण भी वर्ड चलता है साढ़े इधर चलता है, साढ़े आम यूज़ हुंदा क्योंकि साढ़े गुरुआं दे विच इधर संगत ते पंगत की रवायत चली सी। संगत मतलब भी जिहड़े जदों बैठते हैं ना लोग किसी गुरुद्वारा साहब विच बैठे है सारे बैठ के कीर्तन सरवण कर रहे हैं, कथा सरवण कर, सरवण मतलब सुन रहे हैं, ठीक है। सो वो संगत है, वह सारी उन्हों संगत कहा जाता, उन्हों उ फिर ये वर्ड नहीं यूज़ किया जाता कि रश है भीड़ है, ये नहीं, उत्थे उन्हों संगत कहा जाता क्योंकि वह गुरु साहब की हजूरी चाहिए, फिर यदा मतलब वो संगत है, ठीक है। तो संगत मतलब इतने भी शायद उन्होंने उही वर्ड यूज़ किया, हूँ मैं ये नहीं पता कि उर्दू का वर्ड है संगत जिहड़ा कि पंजाबी दे विच आया, हालांकि पंजाबी दे विच काफ़ी सारे उर्दू के जिहड़े वर्ड्स है वो हैगे है जिहड़े जिन्हों पर ठेठ पंजाबी शायद कह दें, तो मे बी वो शायद उर्दू के वर्ड्स है। लगेगा कि आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया है अल्फाज के चुनाव, फिर उसमें जो रिदम है, और वो उन्होंने तफ़हीमुल कुरान के मुकदमे में लिखा है कि मैंने देखा है कि हमारा नौजवान कुरान तर्जमे से लेके बैठता भी है ना तो बोर हो जाता है, तो उनका मैंने समझा है कि क्यों होता है वो, क्योंकि वो तो पढ़ रहे थे उर्दू में, अल्लाह ने तो कुरान नाज़िल किया अरबी में, अरबी उसने सीखनी कोई नहीं है, और उर्दू ने जो तर्जमा किया हुआ है वो उन्होंने तर्जमा किया हुआ है स्टोरी बुक। या ये गल अगे भी इधर भी मैं अगे भी गल की है कि गुरबाणी दे विच भी जिहड़े लोग ट्रांसलेट करते हैं वो मतलब कई चीज़ा तो वह हूबहू करते ही नहीं, वो आपदे अकॉर्डिंग कुछ उहदे विच ऐड कर देंगे जो भी ट्रांसलेशन हुंदी है। सो यह एक बहुत कॉम्प्लीकेटड थिंग है कि तुहानू परफेक्ट जिहड़ी ट्रांसलेटड किसी चीज़ मतलब कि ट्रांसलेटड कुरान जां ट्रांसलेटड कोई गुरबाणी तुहानू दिखे जिहड़ी परफेक्ट होवे, नहीं तो लोग जिहड़े भी ट्रांसलेट करते वह भी अक्सर इंसान है वह आपदे अकॉर्डिंग कर देंगे जिते उन्हों जो भी है बड़ी थावां ते चीज़ मिसकनसैप्शन बहुत हुई हैं। ये तो किताब जिंदगी है, ये तो जिंदा किताब है, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी का सबब है। सही मुस्लिम हदीस है अल्लाह इस किताब की वजह से कौमों को अरूज देगा और इस किताब की वजह से लोगों को उम्मतों को जवाल देगा, जिसको डॉक्टर इकबाल ने फिर शेर में कहा वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर और तुम हार हुए तारे के कुरान होकर। वो
वो जमाने में मोसेस कौन? सहाबा अहले बैत, ताबईन तबा ताबईन। और तुम खार हुए कौन? असी। और सिर्फ असी नहीं, साढ़े बुजुर्ग भी। ये ना समझिएगा, जाहिर आप तो हम कह सकते हैं ना, डॉक्टर इकबाल के जमाने में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जितने बाबे जिंदा थे, आज तो कह सकते हैं मर गए हैं। डॉक्टर इकबाल जब ये शेर कह रहा था, तुम खार हुए तारिक कुरान होकर, तो वो खार अहमद बरेलवी साहब, अशरफ थानवी साहब, ये सारे लोग जिंदा थे उस वक्त, उन्हीं को ही कह रहे थे ना। हत्ता के कुरान के तर्जमे को भी गुनाह समझा गया। ये तो बहुत बाद में तर्जमा हुआ है, पहला तर्जमा शाहुल्लाह दिल्ली ने किया। अच्छा, पहले तो लोग कहते हैं कुरान का तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ लोग कहते हैं बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है। हम पूछते हैं 1000 साल से बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, किसी एक बुजुर्ग का कुरान का बुखारी का तर्जमा मुझे दिखा दे कि जी ये सुल्तान बहू ने देखे जी कुरान का तर्जमा किया, ये जी दादा साहब ने बुखारी शरीफ का तर्जमा किया। क्या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों की जुबान अरबी थी, फारसी थी ना? तो किसी बुजुर्ग को तौफीक नहीं हुई है कि कुरान का फारसी में तर्जमा कर दे। इतना बड़ा छक्का मैंने मारा है कि क्यामत तक ये रोएंगे। आंधा को क्या ना बुजुर्गों की खिदमत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं ना जी, वो फरीदुद्दीन गंजे शकर की बड़ी तालीम। फरीदुद्दीन गंजे शकर साहब ने कौन सा कुरान का तर्जमा किया? अगर किसी ने कुरान का तर्जमा ही नहीं किया, बुखारी मुस्लिम का तर्जमा ही नहीं किया, वो क्या खिदमत करता रहे? वो अपनी तालीमात देते रहे, सही गलत इसका फैसला हम नहीं करते। वो तो फिर मैं और तरफ चल पड़ूंगा। सिर्फ जो खिदमत वाला ढोंग रचाया हुआ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। जितनों के मजार बनाए हुए आपने, किसी एक का तर्जुमा दिखा दे कुरान का। तो ये फिर इन्होंने जानबूझ के सियासत की इस्लाम के नाम के ऊपर, अपनी बातें करवाते रहे। सर उनको पता था कुरान का तर्जुमा हो गया, सूरह ज़ुमर और सूरतुल अनाम अगर उर्दू में आ गई तो बाबों को किसने पूजना है? सर बुखारी का अगर तर्जुमा हो गया तो सारों ने तो रफली दैन से नमाज पढ़नी है, बाबे सारे बगैर रफली दैन वाले ने। ये वजह थी कि बड़ी होशियारी है उन्होंने, एना सब यू बोले संजय, बहुत होशियार संजय। और देख लेना फिर आप, रिजल्ट सामने आ गया। जिधर तर्जमे हुए हैं वो कहने नहीं, प्यो दादे थे ऐथे हाथ बंदा सी, ऐथे बंदा है, तो रिजल्ट निकल आया ना। इसीलिए बुजुर्ग जो काम करते हैं वो हिकमत से खाली नहीं होता। हाँ उन्होंने बड़ी होशियारी दिखाई है आपके साथ, लेकिन अल्लाह का वादा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। कुर्बे क़यामत से पहले दीन को गलबा मिलना है, गलबा बाबों के जरिए नहीं मिलना था, इसी किताब से। जिस किताब ने पहले गलबा दिलाया, अब आज देखे बच्चा बच्चा एंड्रॉइड फोन खोले हुए है, कोई आयत आती है तर्जमा पढ़ लेता है। तो सर ये खिदमत तो फिर इन्होंने की है ना इस्लाम की। अच्छा ये एंड्रॉइड फोन किस रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था? वो कहते हैं बुजुर्ग तो दुनिया कलप कर दे उसे निगाह मार के, वो बुजुर्गों ले आओ तो ठीपा मोबाइल नीचे चला सकते। आप मुझे बताएं, मैं किसी बुजुर्ग को कब्र से निकालूं और उसको ये मोबाइल चला चला लेगा? आपका बच्चा चला लेता है। और किसी का अगर इतना ईमान है ना बुजुर्गों के ऊपर, तो आज वाले बुजुर्गों में भी है। तो मैंने इनको बड़ी तरह मशवरा दिया है कि बुजुर्ग जो जनाब दुनिया चला रहे हैं, तो मैं इनको कहता हूं आपको बुजुर्गों के साथ जहाज पे बिठाते हैं, जब 10 किलोमीटर हाइट पे पहुंच जाता है ये बोइंग जहाज, जब पहुंचे तो हम पायलट को कहेंगे तू तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के पैराशूट ना कुछ जा, बुजुर्ग चला जहाज लैंड करा, वो कितने लैंड होएगा जहाज? बुजुर्गों के मरीज भी उस जहाज नीचे बैठ लगे। सही है। देखो जी मैं इन्हों का पॉइंट समझ गया की कहना चाह रहे ने इतने, क्योंकि जो भी अपने पंजाबी बोल रहे हैं अज्ज है ना, मैं पहली बार सुनी इन्होंने मुँह तो पंजाबी। सो इन्हों के कहने का मतलब है कि जो लोग कई हदायत देंगे है ना, एग्जाम्पल देंगे कि यार सियाने बुजुर्ग आए कहते आप भी नॉर्मल अपनी डेली लाइफ के चीज़ा कहने हैं कि जो सियाने ने कहता वह सच है, जो बुजुर्ग ने कहता उ सच है। पर उन्होंने कहने का मतलब है कि दुनिया चेंज होंगी है, अज पहला हूँ उ सियाने बुजुर्ग जिन्होंने आप जिन्हों का हवाला दें वो फोन नहीं चला सकते, वह एरोप्लेन नहीं चला सकते, वो अजक एडवांस चीज़ा नहीं कर सकते, जिहड़े कि अजकल अपने छोटे जे बच्चे भी कर लेंगे। सो उन्होंने अकॉर्डिंग तो वो बहुत वड्डी चीज़ होगी ना जो पहला का जमाना से, क्योंकि जमाना देखो बहुत एडवांस हो गया। सो इन्हों की सारी गल मतलब कि शायद मैं समझ लग गई, बाकी जेकर इन्हों का कोई होर मतलब है तो मैं नीचे कमेंट करके जरूर दस सकते हैं। तो जी हूँ इन्होंने स्टार्टिंग जो एक टाइटल सी कि जब कुरान में जब अरब में कुरान आया, ठीक है, लाइक उन्होंने दस्या कि जेडे अरब के दो तरह के लोग से उन्होंने दो कमियां सगियाँ,
ਸੋਰੀ ਜੋ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਜੁਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਬੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰੇਬਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬੀ ਕੌਣ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਥ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ